सभी दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस ऐप पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चैनल पर आप लगातार देख रहे हैं और लगातार बने हुए हैं, इसकी भी आपकी प्रशंसा करता हूं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और 16 दिनों का जो मैंने ये प्लान बना रखा है, ये पूरा प्लान आपके सामने रख रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी क्या है कि हमारा KVS का काउंट डाउन शुरू हो गया है, यानी कि मात्र हमारे पास में जो दिन बने बचे हुए हैं वो अगर ऑन एन एवरेज देखे जाए तो अब चाहे 16 से 20 के बीच में किसी भी दिन एग्जाम की जो आपका एडमिट कार्ड पर आई हुई डेट है वो पॉसिबल हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हमारे लिए जो डेट के दिन है वो मात्र 16 डेज है। उन 16 डेज पे किन किन चैप्टर्स पर हमें फोकस कर लेना चाहिए, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है, उसका अनुमान क्या हो सकता है, ये चीजें मैं आपको टोटली बताने जा रहा हूं इस आज की वीडियो में। ये 10 चैप्टर कराएंगे आपका सिलेक्शन, ये मैंने कंसेप्ट लेकर के 10 चैप्टर सेलेक्ट किए। इन 10 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर्स पर आपको विशेष तौर से फोकस कर लेना है, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले हमें किन चैप्टर पर ध्यान देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप एंट्री मारते हैं तो उससे पहले ये चैप्टर जरूर रिवाइज हो जाने चाहिए। अगर ये चैप्टर रिवीजन में है आपके तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं पर आपको परेशानी नहीं होगी और 100% सिलेक्शन की कैटेगरी में आप लोग आ जाएंगे। ये चीज आपको मैं बता दूं। दूसरी चीज आप ये जान लीजिए कि अगर आप 2 दिन एक चैप्टर को देते हैं तब भी समय आपके पास में पर्याप्त है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यानी कि अगर एक एक क्वेश्चन एक एक मतलब चैप्टर को पर डे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालिए तो उम्मीद है कि आप सिलेक्शन की क्राइटेरिया में आएंगे। और यहां पर इस बार फाइटिंग बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यूपी पीजीटी का फाइटिंग ज्यादा होने का कारण आपको बता दे रहा हूं कि यूपी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन था वो पोस्टपोन हो गया, झारखंड का एग्जाम भी पोस्टपोन चल रहा है, यानी ये जून से पहले कोई एग्जामिनेशन की संभावना नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए KVS पर इस फोकस हो रहा है। और KVS पर फोकस होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपके फाइट, आपका कंपटीशन बढ़ेगा इन स्टूडेंट्स के बीच में जो अब PGT यूपी और झारखंड का एग्जामिनेशन ना दे करके, क्योंकि अगर वो वहां दे लिए होते तो उन्हें हो सकता है एक बार को भरोसा हो जाता तो KVS वाले पर कम ध्यान दे पाते। लेकिन अब मेन फोकस आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जामिनेशन है। तो इनमें जो चैप्टर्स हैं वो नोट कर लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चैप्टर्स पर फोकस करना है। नंबर 1 अल्कोहल फिनोल ईथर पर फोकस करना है। ये अल्कोहल फिनोल ईथर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और लगभग कम से कम 7-8 क्वेश्चन लेकर के टोटल तीनों टॉपिक अल्कोहल फिनोल और ईथर, ये तीनों टॉपिक लगभग 6 क्वेश्चन आपको यहां से दिला देंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको दिलाएंगे यहां से। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्किंग अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से रहेगा। उसके बाद 3rd नंबर पर एमीन चली जाएगी जो 4 क्वेश्चन को देने की उम्मीद बना करके चल रहा हूँ। यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से भी 6 मिल सकते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर से भी 6-7 क्वेश्चन आपको मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। और इक्विलिब्रियम पर अगर आप GOC पे आ जाते, पहले मैं ऑर्गेनिक की बात कर लेता, GOC पे आते हैं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन GOC के भी मिलेंगे। हालांकि एल्केन एल्किन एल्काइन तो आप पढ़ ही रहेंगे, उनमें से भी मुझे उम्मीद है कि उनमें से कम 7 क्वेश्चन की उम्मीद चल रही है वहां पर। फिलहाल इन चैप्टर से ज्यादा फोकस करना है, सबसे नंबर 1 GOC ले आइए क्योंकि ये 10 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन देगी। और अल्कोहल फिनोल अल्कोहल फिनोल ईथर कम से कम ये भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देंगे उम्मीद है। यहां पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी 6-7 क्वेश्चन की उम्मीद है, एमीन पर केवल 4 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद मेरी लगी हुई है। और इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे चले जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर देखते हैं तो इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रो, इन इलेक्ट्रो के साथ में रेडॉक्स को भी अगर नोट कर लीजिए तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम पर ध्यान देना है, फिर थर्मोडायनामिक्स पर ध्यान देना है, फिर आपको इक्विलिब्रियम में भी आपको दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, आयनिक और जो कॉमन इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे चले जाइए, थर्मोडायनामिक्स पे चले जाइएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर भी फोकस करना। ये तीनों न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और यह मुझे उम्मीद है कि तीनों से लेकर इक्विलिब्रियम, थर्मो और इलेक्ट्रोरेडॉक्स, इन सबसे मिलाकर के 15 क्वेश्चन का अनुमान मेरा लगा हुआ है कि यहाँ से 15 क्वेश्चन उठेंगे, 100% 15 क्वेश्चन यहाँ से तीनों चैप्टर ये चारों मिलाकर के देंगे। इसके बाद आपको बायो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये भी चैप्टर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ये भी
देर लेकर के आएगा। तो इन चैप्टर्स पे जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये आपके क्वेश्चन, ये 8 चैप्टर हो गए हैं। कोऑर्डिनेशन बढ़ा लीजिए तो 9 चैप्टर हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन भी 4 क्वेश्चन से कम नहीं देगा 100%। यहाँ पर आईपीएससी नाम भी एक आना लगभग और लगभग तय है, तो कोऑर्डिनेशन आपको नहीं छोड़ना, किसी कीमत पर कोऑर्डिनेशन नहीं छोड़ना है। तो कौन से 10 चैप्टर हो सकते हैं, तो मैंने अभी तक की गिनती में आपको 9 चैप्टर बता दिए। अब एक जो आखिरी बचा है वो केमिकल बॉन्डिंग बता रहा हूँ, और केमिकल बॉन्डिंग में आपके लिए मैं आपको बता दूँ कि कम से कम 5 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ेंगे, कॉमन चैप्टर्स होते हैं। लेकिन जिन 10 पे ध्यान देना है वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1 सबसे पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर पर ध्यान दीजिए, नंबर 2 फिर एल्डिहाइड, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पर ध्यान दीजिए, उसके बाद एमीन्स पर ध्यान दीजिए। तो पहले 3 ये प्रिपेयर कर लीजिए और साथ में बायो मॉलिक्यूल। तो 4 चैप्टर ये हो गए आपके, अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन हो गया और बायोमोलिक्यूल हो गया। कवरेज यहीं से पूरा हो जाएगा। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाइए तो इक्विलिब्रियम, थर्मो और इलेक्ट्रो, इन पर ध्यान विशेष तौर से देना है। और साथ में आपको इनके साथ इनके न्यूमेरिकल्स पर भी विशेष तौर से ध्यान दे लीजिएगा, लेकिन समय पहले न्यूमेरिकल में वेस्ट नहीं करना है, पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर फोकस करिएगा। और इसके बाद चले जाइएगा केमिकल बॉन्डिंग पर चले जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो भी नॉर्मल मतलब सिंपल जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैटर है वो थोड़ा सा हल्का सा रीड करके जाइएगा। लेकिन मैटर ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 क्वेश्चन, 10 चैप्टर सॉरी बोल रहा हूँ फिर से, अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन्स इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स जीओसी इलेक्ट्रोरेडॉक्स और कोऑर्डिनेशन बायोमोलिक्यूल और लास्ट में केमिकल बॉन्डिंग। इन चैप्टर्स पर आप जरूर फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर अब आपको डिसीजन देंगे कि आखिरकार हम लोगों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 16 दिन है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा। 16 दिन तक पर डे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, चैप्टर वाइज 16 की प्रैक्टिस में 16 सेट आपको कराऊंगा। तो 16 सेट अगर आपको करने हैं तो फिर आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहेंगे, क्योंकि 16 सेट पर डे आपको एक सेट की प्रैक्टिस मिलती रहेगी, ये मेरा प्लान है। 16 चैप्टर्स की जो मेन टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन हम आपके साथ में करते रहेंगे, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था कि अब हमारी मैराथन जो है वो शुरू होने जा रही है। अगर इस मैराथन को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस मैराथन से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारी ये मैराथन 1 तारीख से शुरू हो जाएगी और 16 दिनों तक कंटिन्यू चलती रहेगी। पर डे प्रैक्टिस होगी, पर डे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और पर डे आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन भी शामिल होंगे जो क्वेश्चन आने की उम्मीद होगी, जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ में, टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। इन 10 चैप्टर्स का जो मैंने क्राइटेरिया दिया, इन 10 चैप्टर के क्वेश्चन अब आपके सामने होंगे, क्योंकि ये 10 चैप्टर आपको ये डिसाइड करके बताएंगे कि आखिरकार आपको कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी अगर जनरल पेपर देनी है, पेडोलॉजी के क्वेश्चंस चाहिए, जनरल हिंदी के क्वेश्चंस चाहिए, तो जल्दी से जल्दी जा करके आप एरोमा टेस्ट सीरीज जो केमिस्ट्री के उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन करके वो टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे तो आपको 100% बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैं आपको दूंगा। जो टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर 500 रुपीज़ की सेल आउट हो रही, वो टेस्ट सीरीज मैं आपको कम रेट में भी पे कर दूंगा, क्योंकि कारण है कि मैं अपने हैंड से करूंगा, और अपने हैंड से करने का मतलब आपसे जो एक्स्ट्रा इंटरनेट चार्जेस होते हैं वो सब लीव कर दिए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज लेना, जनरल पेपर के साथ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या करिएगा कि हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा, मैसेज डालिएगा, व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा, क्योंकि नंबर आपको मेरा पता है कि 9473702711, इस नंबर पर जाकर के आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 10 चैप्टर की तैयारी हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे और इनसे कोई भी किसी प्रकार का आपसे जो है वो चार्जेस नहीं होंगे। तो ये फ्री प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। और 1 तारीख से शुरू होगा हमारी महामैराथन, केबीएस मैराथन में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो जरूर इस चैप्टर से, इन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 10 चैप्टर की मैराथन अब शुरू होने जा रही है 1 तारीख से, यानी कि 1 फरवरी से हम आपके साथ में होंगे। तो इससे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और नए अपडेट आपको चैप्टर्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस मैराथन में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।